इस कोरोना वायरस ने हमारी कंट्री की तो 12 ही बजा दी, और एजुकेशन सेक्टर, ऐसा लगता है हम फ्यूचर में अभी से ही पहुंच गए। चाहे क्लास 12 10th की बोर्ड्स की बात हो या कॉलेज स्टूडेंट्स की लाइफ, ये सब मुद्दों पे आज चर्चा करेंगे हमारे शो रेडियोपीडिया पे। मैं हूँ ईशा और आप सब सुन रहे हैं प्रेस्टीज रेडियो। प्रेस्टीज रेडियो, सुनो सबकी, करो दिल की। एवरीथिंग हैज बिकम ऑनलाइन, फर्स्ट ईयर का फ्रेशर्स हो या थर्ड ईयर का फेयरवेल। अरे जब शादियां ही ऑनलाइन हो रही हैं तो ऑनलाइन पढ़ाई तो मामूली बात है ना। पर इससे भी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, जो हम घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आर दे रियली फ्रूटफुल फॉर अस? ये वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप्स हमें कहाँ ले जाकर छोड़ेंगी, कोई आइडिया है? एंड वॉट अबाउट कोर्सेज विच हैव द प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर? इन सब सवालों के जवाब आज ढूंढेंगे हम, जहाँ प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंदौर की बीबीए फॉरेन ट्रेड की फैकल्टी मिस भव्या भट्ट से मैं लूंगी कुछ करियर एडवाइजेस मेरे और आपके लिए। सो इफ यू वॉन्ट टू गेट सम टिप्स फॉर योर फ्यूचर, स्टे ट्यून्ड विद अस। सुनो तो जरा, हमको है ये कहना, वक्त है क्या तुमको पता है ना। सो गई रात जाके दिन है अब जाग उठा। जो कहे वो जो कहे सुन लो, जो भी सही तुमको लगे चुन लो। करना है क्या तुम्हें ये तुम्ही करो फैसला। हेलो मैम, आई वेलकम यू ऑन प्रेस्टीज रेडियो। मैं हूँ ईशा और हम बात करने वाले हैं करियर टॉपिक्स की। हाय ईशा। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इन दो सालों में बहुत से चेंजेस आए हैं बिकॉज ऑफ कोरोना। अब आफ्टर दिस पीरियड क्या स्कोप है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का? लाइक क्या उन लोगों को वो एक्सपीरियंस मिल रहा है? लाइक व्हाट डू यू फाइंड मिसिंग योर? ईशा, आई नो, लाइक वी हैव सीन, हम लोग खुद देख रहे हैं कि दो साल से स्टूडेंट्स कितने मेजर चेंजेस देख रहे हैं अपनी लाइफ में। पहले हम एक कॉलेज लाइफ को एक्सपेक्ट करते थे दैट वी आर गोइंग टू द कॉलेज, हम कॉलेज में बैठ रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं, लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, यू नो, देन गोइंग आउट विद आवर फ्रेंड्स एंड पार्टीइंग। हम यू नो प्रेशर्स होती है हमारी फ्रेंड्स, हम सब कुछ एंजॉय करते हैं। आई नो, एंड नॉट इवन यू बट इवन आई एम मिसिंग दैट टाइम। हम कुछ स्टूडेंट्स को कॉलेज में मिस करते हैं, एंड वी डू अंडरस्टैंड कि हर बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम है ये, जहाँ पर वो यू नो वेल दे आर नॉट इवन नोइंग व्हाट इज टू बी डन, वो क्या करें, कैसे करें, उन्हें कौन पढ़ाएगा, उन्हें कौन पढ़ा रहा है, दे आर नॉट एबल टू सी देम। मतलब जब तक हम अपनी टीचर्स को देख नहीं लेते, हम यू भी उनसे कनेक्टेड नहीं फील कर पाते। तो आई अंडरस्टैंड दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट टू बी देयर इन अ क्लास। मतलब कोई भी क्लास में किसी भी बच्चे का अपनी टीचर के साथ फिजिकल इंटरेक्शन बहुत अलग होता है और उसका इम्पैक्ट भी बहुत अलग होता है। और दो साल से हम बहुत अच्छे से इस चीज को हम फील कर सकते हैं, वो मिसिंग पार्ट हमारी लाइफ में, वेयर वी आर देयर इन द क्लास बट द स्टूडेंट्स आर नॉट देयर। हम उनको बहुत मिस करते हैं, हम बहुत
अच्छे से समझ रहे हैं कि कितनी सारी डिफिकल्टीज है स्टूडेंट्स के लिए इस ड्यूरेशन में, और हम लोग उस हिसाब से स्टूडेंट्स को इनपुट देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो जितना क्लासरूम स्टडी में इंजॉय करते, जितना उनको बेनिफिट मिलता, जितने उनको सर्टिफिकेशन मिलते और एक्सपोजर मिलता, वो उनका बिल्कुल भी कुछ भी उनको वो सफर ना करे, ऐसा ना हो. ओनली डिफरेंस इज कि हम उनसे ऑनलाइन इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम उनके साथ फिजिकली नहीं है, बट फिजिकल में जो एक्सपोजर हम उनको देते थे वही सारे एक्सपोजर हम उनको अभी भी देने की पूरी हमारी तरफ से कोशिश कर. मैम, जिस टाइम पर अपना आपने एमबीए किया एंड नाउ वी टॉक अबाउट 2021 एंड फर्दर, इसमें और पुराने एमबीए में क्या डिफरेंस लगा आपको? क्योंकि सब कुछ वर्चुअल होता जा रहा है एंड अभी के स्टूडेंट्स को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा आगे? अभी के स्टूडेंट्स को मेजरली ये चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कि जब हम एक्चुअली कॉलेज विजिट करते हैं, हम पढ़ते हैं, जैसे जब मैंने एमबीए किया था, मेरा बहुत पुराना नहीं है, आई कंप्लीटेड माय एमबीए इन 2018. ओके. सिनेरियो और सिचुएशन बहुत ही डिफरेंट हुआ करते थे. मतलब अभी आप, आई वुड से कि 3 साल में बहुत सारे चेंजेस आ गए, क्योंकि जब भी हम कोई भी स्टूडेंट को कोई भी कोर्स के लिए हम उनको बोलते हैं कि आप डू इट फ्रॉम प्रेस्टीज, व्हाई डू वी से दैट? क्योंकि इंडस्ट्री में बच्चों को कौन सी स्किल्स, कौन सी नॉलेज, क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है, ये पूरा जज करने के बाद हम वो कोर्स को लेकर के आते हैं. जब हम हमारे टाइम पे पढ़ते थे तब हम बेसिक सब्जेक्ट पढ़ते थे, हमने बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग पढ़ लिया, बेसिक्स ऑफ एचआर पढ़ लिया, बेसिक्स ऑफ फाइनेंस पढ़ लिया, मेजरली वही हम पीजी में भी वही पढ़ते थे जो हम यूजी में पढ़ते थे, बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं होता था. बट सिंस अब सिनेरियो हैज चेंज्ड बिकॉज इंडस्ट्री एक्सपेक्ट मोर, उनको ऐसे बच्चे चाहिए जो इंडस्ट्री रेडी है, उनको ऐसे बच्चे चाहिए जो अच्छे से उस पोजिशन पर काम करके इंडस्ट्री को मैक्सिमम आउटपुट दे पाए, उसके हिसाब से वो जॉब पैकेजेस डिसाइड करते हैं. तो हम जो कोर्सेज प्रेस्टीज में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारा टोटल एम उन कोर्स को लेकर के यही था कि हम बच्चों को इंडस्ट्री रेडी बनाएं, ताकि जब भी वो जाएं, अल्टीमेटली जब भी वो कोई भी इंटरव्यू फेस करें, तब उनके पास वो सारे क्वालिफिकेशन, स्किल सेट्स, नॉलेज, सर्टिफिकेशन सब कुछ हो, जिससे वो एक बहुत ही अच्छे पैकेज पर प्लेस्ड हो. या लेकिन लॉकडाउन जो अभी चल रहा है एंड बेसिकली दिस इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, क्योंकि हर चीज प्रैक्टिकल होती है नाउडेज, हर स्टूडेंट को एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है. इस सिनेरियो में क्या क्या चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ रहे हैं स्टूडेंट को? जी जी जी, देखो बच्चों को वो मैनेजमेंट के हो, वो इंजीनियरिंग के हो, वो कोई भी फील्ड के हो, बच्चे बेसिकली बहुत सारे चैलेंजेस अभी फेस कर रहे हैं. वो हमसे बिल्कुल भी, हम उनसे मिले नहीं है, वी डोंट नो हु द स्टूडेंट्स आर. हमारा बॉन्ड जब बनता है, जब हम एक्चुअली मिलते हैं, हम क्योंकि इट इज अ लर्निंग प्रोसेस, वो गिव एंड टेक प्रोसेस होता है. आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे, मैं आपको आंसर करूंगी, तो एक बॉन्ड डेवलप होता है कि हाँ, हम अपनी टीचर से, मतलब नॉट फॉर सेइंग कि आप 50 बार पूछो, बट हमको पता होता है कि हम इनसे 50 टाइम्स भी पूछेंगे तो मुझे आंसर करेंगे. बट बेसिकली जब हम वर्चुअल स्टडीज पर जाते हैं, जब हम ऑनलाइन लेक्चर्स पर जाते हैं, हम बच्चों को कभी हमने देखा नहीं होता है, बच्चे कभी उन्होंने हमें नहीं देखा होता है, उनको कुछ भी नहीं पता होता है कि कौन टीचर है, कौन सी टीचर किस तरह से रिएक्ट करेगी उनकी कोई भी चीज पर. तो बच्चे जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बिकॉज इफ आई अंडरस्टैंड कि अगर उनकी जगह मैं भी होती और कोई मुझे एक घंटे के लिए ये बोले कि मुझे ईयरफोन्स लगा करके कोई लेक्चर सुनना है, जिसमें 2019, 18, 17 में हम ईयरफोन्स लगा के या तो वेब सीरीज देखते थे या तो मूवी देखते थे, अब हमें बोले कोई आपको एक घंटा कोई लेक्चर दे रहा है और आपको वो सुनना है, तो ये हमारे लिए भी बहुत डिफिकल्ट है. इट इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग फॉर यू ऑल. मतलब एक लेक्चर पहले एंजॉयमेंट होना चाहिए, लर्निंग प्रोसेस में कैसा होता है, हमारे लिए एक एंजॉयमेंट होना चाहिए कि हम क्लास में बैठे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, हम पढ़ भी रहे हैं, कुछ सीख भी रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं. ये हमारा पर्पसली एक लर्निंग की डेफिनेशन होनी चाहिए. बट अभी क्या हो रहा है, हम सिर्फ सुन रहे हैं, ना हम जवाब दे रहे हैं, ना हम देख पा रहे हैं, ना हम कनेक्टेड फील कर पा रहे हैं, ना करना चाह रहे हैं. और जब से स्टूडेंट को हम इंटरनल्स के बेसिस पर दे आर गेटिंग द रिजल्ट, से वो थोड़े से और डल हो गए कि ठीक है, हो सकता है इस बार भी हमारा इंटरनल बेसिस पर ही इवैल्यूएशन होगा, हम सिर्फ इंटरनल कर लेते हैं. हमें ज्यादा, जब तक बच्चा स्टूडेंट शुड बी कीन इनफ, जब तक हम क्यूरियस नहीं है, जब तक हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तो ऑल योर टीचर्स, ऑल योर मेंटर्स आर हियर नॉट ओनली फॉर टेलिंग यू कि आपके सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स क्या है, बट फॉर गाइडिंग यू फॉर योर करियर. क्योंकि जो गलतियां हम अपने करियर में कर चुके हैं, हम वो गलतियां आपको करते हुए नहीं देख सकते. दैट इज द ओनली. तो स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीजें होती है. जब हम लोगों ने ऑनलाइन करियर काउंसलिंग भी वी स्टार्टेड दैट आल्सो, कि कुछ बच्चे होते हैं, क्योंकि हम ना बहुत मिसगाइडेड होते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं होता कि हमें आगे लाइफ में क्या करना है. ये जो टाइम होता है 12th के बाद, यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं,
या तो हम अगर कॉमर्स के स्टूडेंट है, अगर मीडिया में इंटरेस्ट है, क्रिएटिव है, बहुत अच्छा, हम वो फील्ड चूज कर लेंगे. नहीं तो हम लोग बीबीए बीकॉम, हमें सिर्फ इतना पता होता है, हमें कुछ भी नहीं पता कि फाइनेंस क्या है, मार्केटिंग क्या है. बट जो मैं काउंसलिंग में देखती हूँ, बच्चे आकर मैम हमें ना करियर बनाना है एचआर में. एचआर पता ही नहीं, एचआर क्या है, एचआर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है. उन्हें सिर्फ ये पता है कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एक चैप्टर है जो हमने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है, नथिंग मोर देन दैट. तो ऐसे नहीं होता है. जब हम हर सब्जेक्ट की डेप्थ में जाते हैं, जब हम हर सब्जेक्ट में अपना करियर को आगे इमेजिन करते हैं, हमारे लिए चीजें ईजी हो जाती है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन रहते हैं, ऑल्टरनेटिव रहते हैं जिनको हम स्किप आउट, ये हमें नहीं करना, हमारा इसमें इंटरेस्ट नहीं. उससे हमें पता चल जाता है हम एक्चुअली वी आर मेंट फॉर व्हाट. This is what I have experienced. And we are here for telling you what you are meant for, how do you have to do it. उसके लिए एक सबसे पहले बच्चे के साथ कनेक्शन होना बहुत जरूरी है. जब आप मेरे साथ बैठोगी, मुझसे बात करोगी, आप कंफर्टेबल फील करोगी, जब ही आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बता पाओगी और आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर पाऊंगी when you are comfortable telling me your problems. तो ये टीचर्स नहीं फेस कर रही है ये इशू कि हमने बच्चों को नहीं देखा है, बट बच्चे जरूर फेस कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हम ट्रस्ट उन्हीं लोगों पर कर पाते हैं जिनके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं. वी ट्राई टू मेक आर लेक्चर्स इंटरेस्टिंग. हम क्विजेस करते हैं, हम जनरली गेम्स खेलने की कोशिश करते हैं, हम थोड़ी ऐसी कॉन्वर्जेशन, मैं पर्पसली अपने लेक्चर में ऐसी इनफॉर्मल सी थोड़ी कॉन्वर्जेशन करती हूँ जहाँ पर बच्चे इंटरक्टिव हो, भले ही कुछ तो आंसर करें, एटलीस्ट दे फील कम्फर्टेबल. एंड दिस इज वॉट आई हैव ऑब्जर्व की यू नो आई एम कोऑर्डिनेटिंग बीबीए फॉरन ट्रेड सेक्शन यू नो सेकेंड सेमेस्टर. तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब हम स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा सा इनफॉर्मल होकर के कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, तो हमें उनकी प्रॉब्लम्स इजीली पता होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता है कि शी इज द वन हु कैन सॉल्व आवर प्रॉब्लम. बातें चल रही हैं करियर एडवाइसेस के बारे में, कहीं मत जाइएगा, हम वापस लौटेंगे इस गाने के बाद. छोड़ा है जहान नीचे, मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले, अब दूर दूर लोग बाग मिलो दूर ये वादियाँ. फिर धुआं धुआं तन हर बदली चली आती है छूने, पर कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला ये भी ना हो. किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, ये गिला तो है मैं खफा नहीं. शहर एक से गांव, एक से लोग, एक से नाम, एक ओ, 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 फिर से उड़ चला पिट्टी जैसे सपने, ये किताबी पलकों झाड़ो फिर आ जाते हैं. इतने सारे सपने क्या कहूँ, किस तरह से मैंने तोड़े हैं, छोड़े हैं, क्यों मेरे साथ चले, मुझे लेके उड़े ये क्यों. So, like ma'am, if we talk about internships nowadays, जो work from home internships हैं, which are basically of 2-3 months, तो क्या उसमें हमें कोई practical knowledge gain हो रही है? Comparison to on-site internships nowadays. देखो, हम जब पहले बच्चा इंटर्नशिप पे जाते थे तो इंटर्नशिप सिर्फ आपको, अगर मैं एक बात बताऊं तो इंटर्नशिप सिर्फ इसीलिए नहीं होती है जो आपको सिर्फ ये नॉलेज दे कि एक्चुअली अगर आप फाइनेंस में कर रहे हो तो फाइनेंस कैसे कंपनी हैंडल कर रही है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है. इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ योर लर्निंग, बट इट इज नॉट योर होल लर्निंग. हम उस जगह जा रहे हैं. जब मैं मेरे टाइम की इंटर्नशिप की अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो हम कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, हमें जनरली आदत होती है 5-10 मिनट लेट भी हो गए तो मैम हमें अलाउ कर देंगे. बट कॉर्पोरेट कल्चर इज वेरी डिफरेंट. जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी अपना आइशर मोटर्स में,
आई थॉट कि यू नो अगर 9 o'clock हमारा रिपोर्टिंग टाइम है तो इवन इफ आई एम कमिंग एट 9:10 देयर इज नो प्रॉब्लम. एक दिन तो एचआर ने ऑब्जर्व कर दिया, उन्होंने कुछ भी रिएक्ट नहीं करा. सेकेंड डे शी केम एंड शी टोल्ड मी कि यू आर नॉट हियर एट योर कॉलेज, आप जॉब पर आ रही हो, आप ट्रेनिंग पर आ रही हो, तो यू आर नॉट हियर एट योर कॉलेज, सो यू हैव टू बी ऑन टाइम. तो हम पंक्चुअलिटी सीखते हैं, हम एक्चुअली उन मैच्योर लोगों के साथ रह करके वो एनवायरनमेंट को फील कर पाते हैं कि पहले हम कहीं भी कुछ भी करते हैं, बट वर्क कल्चर बहुत डिफरेंट होता है. तो इंटर्नशिप का सिर्फ मोटिव स्टूडेंट को ये बताना नहीं होता कि प्रैक्टिकली वो चीजें जो आप थ्योरी में पढ़ रहे हो वो कैसे होती है, बट एक्चुअली इंटर्नशिप का मोटिव ये भी होता है कि स्टूडेंट्स वो कल्चर को फील कर पाए जहाँ पर आगे वो जॉब करने वाले हैं. तो वो कल्चर क्या होगा, हाउ इज इट गोइंग टू बी, हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. अब स्टूडेंट्स अभी ये सब चीजें पूरी तरह से मिस कर रहे हैं, वो बिल्कुल सीख रहे हैं ऑनलाइन भी कि काम कैसे होता है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस हिसाब से जा रहे हैं, कैसे बिल्स क्रिएट हो रहे हैं, वो सब सीख रहे हैं, बट दे डोंट नो व्हाट एक्चुअली द वर्क कल्चर इज देयर. कि आपको उस प्रेशर में काम करने की आदत नहीं है, क्योंकि आप अपने घर में एकदम रिलैक्स मोड में हो और आपको काम करना है. आपको जब आप चाहो, जब आपकी मम्मा सारी चीजें अवेलेबल करवा रही है और आपको आराम से बस काम करना है. हम घर पर भी आराम से फ्लॉन्ट कर सकते हैं कि हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं. तो वहाँ का जो वर्क कल्चर होता है वो बहुत अलग होता है, वहाँ की चीजें बहुत डिफरेंट होती है. तो इन सब चीजों को देख करके काम करना में हम बहुत सारी नई चीजें सीखते हैं. हम पंक्चुअलिटी सीखते हैं, हम लोगों के साथ रहना सीखते हैं, उनके साथ बात करना सीखते हैं, बिकॉज हर इंसान एक जैसा नहीं होता. हमारे फ्रेंड्स, हम उन्हीं को फ्रेंड बनाते हैं, हम फ्रेंड्स को चूज करते हैं, बट आप कॉर्पोरेट में चूज नहीं करोगे कि मुझे इनके साथ और इन्हीं के साथ जॉब करनी है, इसके अलावा तो मुझे किसी के साथ जॉब नहीं करनी. तो ये सब चीजें होती है बेसिकली जो आप इंटर्नशिप पर जब जाते हो तब आप वहां पर सीखते हो. दैट यू हैव टू वर्क विद एवरीवन, यू हैव टू एडजस्ट. हमें भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, हमें भी एडजस्ट करना पड़ता है, हम बहुत सारी ऐसी चीजें भी और साथ में सीखते हैं. तो इस तरह से कि लर्निंग की बात करें तो बच्चा यहाँ पर लर्निंग को मिस करता है. ये सारी चीजें आप मिस कर रहे हो कि हम वहां जा नहीं रहे, हमें हम पंक्चुअलिटी ठीक है हमने ऑन कर दिया, हम थोड़े बहुत देर इधर उधर भी हो गए, तो नोबडी नोज दैट यू आर नॉट योर एट आर प्लेस, बट देयर एवरीबॉडी नोज यू आर नॉट योर एट योर प्लेस. तो लाइक वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप्स आर रियली बेनिफिशियल एट दिस पीरियड, लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मुझे हमेशा ये लगता है कि कुछ नहीं से हमेशा कुछ बेटर होता है. Point. हम घर पे बैठे हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम कुछ करके कुछ तो सीखे. हम ये तो वेट नहीं कर सकते आपकी कब लॉकडाउन, आपको आगे का सिनेरियो क्या पता. आज भी हम ये नहीं कह सकते कि 10 दिन बाद इंदौर में क्या सिचुएशन होगी, कितने कोविड पॉजिटिव केसेस होंगे. अभी हम देख रहे हैं डेल्टा प्लस. तो अब हमें ये भी नहीं पता बच्चे कॉलेज आएंगे नहीं आएंगे. अब हमें मुझे लगता है इन चीजों को एक्सेप्ट करते हुए अपने आप को कैसे ग्रो करना है. बिकॉज अल्टीमेटली हम MBA करें, हम BBA करें, हम BBA फॉरेन ट्रेड में करें, हम BBA मार्केटिंग में करें, हम BBA HR में करें, हमारा अल्टीमेट एम है दैट वी वांट टू गेट सेटल्ड विद अ गुड जॉब पैकेज. तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है, क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, और बहुत सारी चीजें नॉलेज, किस लेवल का नॉलेज रिक्वायर्ड होता है, क्या प्रैक्टिकल लर्निंग रिक्वायर्ड होती है, कौन से सर्टिफिकेशन होते हैं जो हमें बेनिफिट देते हैं, प्लस कौन सी इंटर्नशिप्स है जिससे करके हम सीख सकते हैं. टिप्स भी देखो बहुत टाइप की होती है. कुछ जगह कुछ ऑफिसेस आपको एज एन इंटर्न बुलाएंगे और वो आपसे बिल्कुल ज्यादा काम नहीं करवाएंगे. एंड व्हाट आई सजेस्ट हमेशा स्टूडेंट को एक ऐसी इंटर्नशिप पर जाना चाहिए जो पेड हो. बिकॉज इफ द कंपनी इज पेइंग यू 2000 ना, तो तुमसे 2000 से ज्यादा का काम निकलवा लेंगे. बिकॉज दे आर पेइंग यू समथिंग, बट इफ दे आरंट पेइंग यू, मे बी दैट वो आपको इतना ना काम दे, आपको भी ऐसा लगे हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ बट लर्निंग कुछ भी नहीं है. बट जब कंपनी आपको पैसा देगी, आपको स्टाइपेंड देगी ना, तो उतना प्रेशर भी वो आपको देगी. तो ये सारी चीजें हैं कि ऑफ कोर्स यू नो समथिंग इज बेटर देन नथिंग. दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट कि हमें बिल्कुल बच्चों को जो अपॉर्चुनिटी मिले सारी ग्रैब करनी चाहिए. जो सारी लर्निंग्स है हमें लेनी चाहिए, क्योंकि वी आर सिटिंग एट होम, वी आर डूइंग नथिंग. टीचर गाइडेंस देते हैं, वी अंडरस्टैंड यू, वी नो व्हाट आर यू मेंट फॉर, वी नो आपका इंक्लिनेशन किस तरफ है, हम उस तरह से आपको गाइड करते हैं. तो बीइंग अ फैकल्टी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट करना नहीं होती है, हमारे स्टूडेंट को गाइड करना, हमारे स्टूडेंट को बताना यू आर मेंट फॉर व्हाट, उनको उनका इंटरेस्ट एरिया के हिसाब से चीजें बताना जो उनको बेनिफिट करे. अपनी टीचर्स के साथ कनेक्टेड होने की कोशिश करेंगे, कनेक्टेड फील करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल ये रहेगा कि इट इज गोइंग टू हेल्प अस टू नो व्हाट हु वी आर एक्चुअली, हम कौन है. ये जानना बहुत जरूरी है कि हम कौन है, हम क्या चाहते हैं. आज अगर मैं आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछूंगी कि आपको मैं 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप मुझे अपनी ना 5 स्ट्रेंथ और 5 वीकनेसेस बताओ,
ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम एक घंटे में भी नहीं बता पाओगी. क्योंकि हम लोग ना, हम लोगों को वीकनेसेस तो बहुत सारी मिल जाएगी, पर हमें स्ट्रेंथ ढूंढने में बहुत टाइम लगती है. राइट. एंड इट इज ऑलवेज 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 प्रेफरेबल टू वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ. राइट. हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है. So this is what I would suggest every student, कि भले ही ये ऑनलाइन स्टडी है, भले ही हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बट हम ये चीज ध्यान रखें कि हम अपने टीचर से जितना कनेक्टेड होने की कोशिश करेंगे, जितना उनके साथ मिक्सअप होने की कोशिश करेंगे, दे आर द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू आफ्टर योर पेरेंट्स. थैंक यू सो मच मैम फॉर द नॉलेज एंड एडवाइस यू हैव गिवन मी. और एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपने दिया आज, एंड इट वॉज रियली वेरी नेसेसरी इन दिस पीरियड. And thanks for coming and informing us so many things. Thank you so much, ma'am. Firstly, I would like to thank you for giving me the opportunity to say something. Like I was, we are meant for guiding you, and I want ki iske through bahut sare bachchon ko pata chale ki hame life mein agar guidance chahiye, to hamare parents ke baad mein the best person who can guide you is your teachers, your mentor. Yeah. So rather than saying teacher, I would say mentor. And mentor. I expect ki jitni bhi der ki hamari conversation hui hai. I expect कि आप उसे अपनी लाइफ में लो, एंड यू आर एबल टू फाइंड आउट अ वे जिससे आप बहुत सक्सेसफुल अपनी लाइफ में हो, एंड यू यू ऑलवेज रिमेम्बर मी फॉर व्हाट आई टोल्ड यू. ऑफ कोर्स मैम, ऑफ कोर्स. तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की गेस्ट मिस भव्या भट्ट, जिन्होंने हमें आज दिया है करियर के लिए ढेर सारा ज्ञान. और जिस तरह आपने सुना कि लाइफ प्रॉब्लम्स के लिए एक मेंटोर की मदद इज इम्पोर्टेंट, उसी तरह मैं सोचती हूँ कि लाइफ में म्यूजिक सुनना भी बेहद इम्पोर्टेंट है. सही गाना मैंने. अब सुनिए बढ़िया सा गाना, और अब मैं लेती हूँ अलविदा. खुदा मुझको बता, तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता, हम तो यहाँ पे मुसाफिर है जो ढूंढते अपनी मंजिल का पता. ऐ खुदा मुझको बता, तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता, हम तो यहाँ पे मुसाफिर है जो ढूंढे अपनी मंजिल का पता.